का दरबार भी लगेगा, जो कि दरबार 9 से लेके 11 बजे तक दरबार लगेगा, और जो 2 बजे से लेके 2 से 4 बजे तक, जस्ट मैं नीचे में हूँ और उनकी हाइट में देख लो तो भाई मैं उनका आधा आ रहा हूँ इस स्टेज के। गाइस जय श्री राम, होपफुली काफी अच्छे हो गए। और अभी मैं जस्ट हूँ जयंती जयंती स्टेडियम के मेन गेट के, मेन गेट नहीं बोल सकते, जो मेन गेट के जस्ट बगल वाले गेट के सामने में हूँ। और मैं यहाँ आया था ऐसी कुछ काम से, तो अभी कुछ दिन नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से 14 दिन बचे होंगे, 14 दिन बाद यहाँ पर पंडित धीनेन्द्र शास्त्री जी आने वाले हैं, और यहाँ पर होगा 22, 23, 24 से हनुमान कथा होगा, जो कि मैं आपको लोकेशन, तो अगर आप लोग चाहोगे तो कैसे आना है उस डिटेल में वीडियो बन जाएगा। मैं भी जस्ट मैं दिखा दे रहा हूँ कि भाई यहाँ मैं सोचा था चलो कितना वर्क स्टार्ट अभी स्टार्ट हुआ है कि नहीं, वो सब पता करने आया था, तो मेरे ख्याल अभी तो भाई जो वर्क है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। और मैं स्पेस की बात करूँ फ्रेंड्स, जो अगर आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा में आप आए होगे, तो यहाँ का आप जो जिस स्पेस है वो स्पेस भी मतलब भाई आउट फुल हो चुका था। तो भाई अब धीनेन्द्र शास्त्री जी के कथा में आप सोच समझ लेना कि कितना ज़्यादा क्राउड और भीड़ होने वाला है, क्योंकि भाई जहाँ भी जाते धीनेन्द्र शास्त्री जी तो भाई वहाँ की पब्लिक, वो मतलब लोकल वाले लोग तो आते ही है, बट अदर स्टेट अदर कंट्री के भी लोग आते हैं। मैंने देखा है कि इंडिया के बाहर के भी लोग आते हैं भाई कथा सुनने, और इनका दरबार भी लगेगा, जो कि दरबार इतना कंफर्म नहीं बोल सकता कि मैं जो इस हिसाब से मैं सुना हूँ 9 से लेके 11 बजे तक दरबार लगेगा, और जो 2 से 4 बजे तक मैं 2 से 4 बजे तक उनका कथा होगा। तो ये मैं ये जो टाइमिंग बताऊँ ये कंफर्म नहीं है, 9 से जो 11 ये दरबार लगेगा ये कंफर्म है, बाकी जो 2 बजे से लेके वो कब तक दरबार कथा होगा वो आइडिया नहीं। तो फ्रेंड्स बात करूँ अगर मैं लोकेशन की, तो भाई जिस पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जहाँ कथा हुआ था वही जगह पे वही सेम प्लेस में कथा होने वाला है, हनुमान कथा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ ग्राउंड, जो कि अभी जो वर्क है वो अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर जो 14 दिन बचे हैं तो कुछ ना कुछ मतलब ट्रस्ट का काम या बांस वैस या बल्ली वल्ली कुछ ना कुछ तो वर्क स्टार्ट हो चुके हैं, बट यहाँ पर तो भाई जैसा है फुल मतलब जो ग्राउंड खाली का भी खाली है। मेरे लगता है 3-4 दिन बाद से जो यहाँ आपस वर्क स्टार्ट हो जाएंगे। ये कन्फर्म है कि भाई 22, 23, 24 से धीनेन्द्र शास्त्री जी आएंगे और कथा होगा उनका। तो फ्रेंड्स तो ये है वो जगह जो जयंती स्टेडियम का ये ग्राउंड है, जहाँ की यहाँ यहाँ से 22, 23, 24 को दरबार लगेगा, और कुछ मतलब कुछ महीने पहले भी यहाँ से जो है पंडित प्रतिम मिश्रा जी कथा यहाँ से हमारे भी सुनाए थे, जो कि देखो ये स्पेस तो आपको दिख रहा होगा ऐसे बहुत बड़ा, बट जब ट्रस्ट लगता है या फिर और भी जो पंडाल उंडाल लगते हैं तो उस हिसाब से जो आपको लगता है तो स्पेस बड़ा है, बट भाई जैसे जो आते हैं पब्लिक वो जगह मतलब ये आपको फुल हो जाएगा। और इनके मुझे तो लगता है कि ये पंडित धीनेन्द्र शास्त्री जी के दरबार में ये पूरा आउट ऑफ भाई फुल होने वाला है, क्योंकि आप जो उस तरफ भी देखे थे तो उस तरफ में भी पूरे लोग पेड़ के नीचे बैठ के कथा सुने थे। तो वहाँ पर मैं चलो आपको सामने लेके चलता हूँ, जो कि इसमें भी कुछ पेंट वेंट या कुछ हुआ जाएगा। फ्रेंड्स तो मैं जस्ट आ गया हूँ स्टेज के पास, जहाँ की यहाँ पंडित धीनेन्द्र शास्त्री जी बैठ जहाँ कथा दरबार लगेगा, और उस स्टेज के जस्ट मैं नीचे में हूँ और उनकी हाइट में देख लो तो भाई मैं उनका आधा आ रहा हूँ स्टेज के, और जस्ट ऊपर में है उनकी मेरे हाइट से भी मतलब 1.5 गुना, मतलब मेरे हाइट के 1.5 गुना में स्टेज बना हुआ है। तो ऊपर से मैं चढ़ता हूँ और दिखाता हूँ आपको यहाँ का व्यू। हाइट तो बहुत मतलब मेरे ख्याल से भाई 7-8 फीट हाइट होगा, और यहाँ जस्ट पीछे में सीढ़ी भी है, यहाँ से चढ़ते हैं। तो ये है स्पेस, यहाँ से लगेगा दरबार। फ्रेंड्स यहाँ से लगता है कि ग्राउंड बहुत बड़ा है, जब उधर मैं खड़ा था तो मेरे को लग रहा था कि ग्राउंड भाई छोटा पड़ जाएगा, कि फिर और भी जो पीछे जो है, हाँ मतलब उस दिन में जब कथा स्टार्ट हुआ था पहला दिन पंडित प्रदीप मिश्रा जी का, तो एक दिन मतलब एक दिन बाद से जो है पंडाल का स्पेस और मतलब टेंट आगे बढ़ाया गया, तो ये काफ़ी स्पेस देखो तो फ्रेंड्स स्पेस ठीक ठाक है। उस तरफ से आओगे तो मिराज टाकी वाला रोड है, और इधर पास है सीसी वाला रोड,
जो कि अब अगर आप बोलोगे तो मतलब कहाँ से आना है वो उस डिटेल मतलब उस टॉपिक मतलब उससे रिलेटेड भी वीडियो आ जाएगा कि आपको पास कहाँ से पड़ेगा। जैसे अदर लोग आते हैं ना भिलाई के बाद, मतलब लोग को परेशानी होता है कि यहाँ का जगह ढूंढने में। पंडित पंडित प्रदीप मिश्रा जी जब भी आए थे तो उस समय भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ था कि भाई लोग मतलब ऑटो वाले लोग भी वहाँ से एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे थे, तो काफ़ी मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। तो वो सब है, तो भाई अब कथा सुनने आ रहे तो लोग ऑटो वाले लोग भी एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे, तो वो मेरे को गलत लगता है। तो अगर ऑटो वाले लोग मतलब इस टाइप अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो भाई तो थोड़ा भाई अच्छे ही काम के लिए आ रहे, तो वो भी अच्छे काम, तो थोड़ा रेट वर्ट जो है थोड़ा ठीक ठाक लगा मतलब लगाना चाहिए उन लोग को भी। तो फ्रेंड्स ये है स्पेस जो कि यहाँ से अभी कुछ दिनों में जो है टेंट वेंट वाला भी जो काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। बाकी स्पेस तो और भी पूरे बहुत लंबे, अगर स्पेस देखोगे आगे तो और भी देख, सामने में जो पेड़ पेड़ के पीछे से भी लोग मतलब पेड़ में चढ़ चढ़ के भी कथा सुनते सुन रहे थे उस समय। और फ्रेंड्स एक चीज़ और आपको बता दूं, जयंती स्टेडियम कौन सा है? जयंती स्टेडियम ये वाला है, जस्ट इसके पीछे में ग्राउंड है जयंती स्टेडियम, और ये है बॉक्सिंग ग्राउंड, बॉक्सिंग ग्राउंड है ये वाला, और उसके पीछे भी कोई सा स्पोर्ट्स वाला है ये मुझे अभी तक पता नहीं है, बाकी ये है जयंती स्टेडियम। सो फ्रेंड्स तो इस वीडियो को भी मैं इतना ही रखता हूँ, आई होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी अगर और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन मुझे कमेंट कर सकते हो, और भी कुछ रिलेटेड मुझे कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो, उससे मैं अगर लगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये वीडियो को इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, आई होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में फुल धमाके सभी के लिए। जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय।